हेलो एवरीवन, जिस बात को लेकर के आशंका थी कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस और आरओआरओ की परीक्षा दिसंबर में करा ली जाएगी, और दूसरा क्या इन दोनों ही परीक्षा को एक से अधिक दिनों में कराया जाएगा, और तीसरा क्या इन परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, इन तीनों ही चीज़ों को लेकर के कल आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां यूपी पीसीएस के एग्जाम को लेकर के आरओआरओ एग्जाम को लेकर के डेट कंफर्म कर दी गई है। दोनों ही परीक्षाएं दिसंबर में कराई जाएंगी, ये नोटिफिकेशन है जिसको अभी हम देखेंगे। वहीं यहां पे नॉर्मलाइजेशन जो रूल है उसको भी यहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर कर दिया गया है कि परीक्षा में लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये अभ्यर्थियों के लिए यहां पर समस्या है। यूपीपीएससी जैसे एग्जाम को लेकर के यहां पर सवालिया निशान भी लगता है आयोग की क्षमता के ऊपर। इसका कंपैरिजन अगर हम करें यूपीएससी जैसे आयोग के द्वारा जो कि देश भर में यहाँ पे परीक्षा कराता है, वो सिर्फ एक ही दिन में पूरी परीक्षा को कंडक्ट कराता है, वो भी सुचितापूर्ण तरीके से। तो क्या यूपीपीएससी आयोग ये परीक्षा नहीं करा सकता सुचितापूर्ण ढंग से, और ये आपको नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यहाँ पे लागू क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल रहा है, और इसको लेकर के छात्रों का विरोध है और हम उनका समर्थन भी करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू करना अपने आप में छात्रों के लिए यहाँ पे समस्या है। एक तो परीक्षा यहां पर लेट कराई गई और उसके बाद यहां पर आप में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लेकर आ रहे हैं, परीक्षा दो दिनों में करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्षमता पर सवालिया निशान है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि वन डे वन शिफ्ट एग्जाम में ये एग्जाम यानी कि पूर्ववत जो यहां पे प्रक्रिया रही है उसी से यहां पे इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाना चाहिए था, और हम इस बात का यहां पर समर्थन करते हैं और छात्रों के साथ हैं। लेकिन अगर आयोग की नोटिफिकेशन पर ध्यान देते, इस आयोग के नोटिफिकेशन में जो पहली बात यहां पर आप देख सकते हैं, पहले बात करते हैं हम यूपी पीसीएस के बारे में कि यूपीपीएससी के एग्जाम को लेकर के यहां पे एक नोटिफिकेशन आया था कि एग्जाम को यहां पे कैंसिल किया गया था, और अब यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि जो परीक्षा है यानी कि प्रदेश के समस्त जनपदों के केंद्र निर्धारण संबंधी समितियों के द्वारा परीक्षा केंद्रों की क्षमता और संख्या अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष हर संभव प्रयास के बावजूद यथोचित मानक के अनुसार उपलब्ध न होने के दृष्टिगत जो परीक्षा है वो अब दो दिनों में 7 और 8 दिसंबर 2024 को दो सत्रों में कराई जाएगी। यानी कि 7 दिसंबर को जो परीक्षा होगी आपको सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक जीएस का पेपर देना है, दूसरे शिफ्ट में 2:30 से 4:30 बजे तक सीसैट का पेपर देना है, और अगले दिन 8 दिसंबर को फिर से 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, यानी कि कुछ बच्चों की परीक्षा 7 तारीख को रहेगी, कुछ की यहां पे परीक्षा 8 तारीख को रहेगी। बताया ये गया है कि परीक्षा केंद्र जो मानक यहां पे आयोग के द्वारा सेट किए गए हैं उन मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्र की उपलब्धता और संख्या न होने के कारण ये परीक्षा दो दिन में कराई जा रही। तो ऐसे मानक ही क्यों सेट किए गए हैं कि यहाँ पे परीक्षा ही आप एक दिन में कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। ये क्षमता ये कहीं ना कहीं ये छात्रों की गलती नहीं है, ये गलती यहां पर देखा है आयोग की है, और आयोग को यहां पर इस प्रक्रिया को मैं कहता हूं कि यहां पे लागू नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा इतना ज्यादा आप समय ले चुके थे, 1-2 महीने का समय और भी ले रहे थे, लेकिन परीक्षा जो है यहां पर आपको करानी चाहिए थी वो भी एक दिन में। ऐसा ही कुछ यहां पर आपको आयोग के द्वारा आरओआरओ की परीक्षा में भी किया गया है। यहां पर आप देखें जो आरओआरओ की परीक्षा को लेकर के यहाँ पे जानकारी दी गई है कि जो समीक्षा अधिकारी में हम देखें तो यहाँ पे 10,76,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है, और दिनांक जो है 22 दिसंबर 2024 को प्रथम पाली में 9 से 12 बजे तक, द्वितीय पाली 2:30 से 5:30 बजे तक, और 23 दिसंबर 2024 को तृतीय पाली में 9 से 12 बजे तक यहां पे आरओआरओ की परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि दो दिनों में परीक्षा होने वाली है, 22 को और 23 को, 22 को दो पाली और 23 को एक पाली, टोटल 3 पाली में एग्जाम होंगी। अब यहां पर जैसे आरओ की परीक्षा पहले होती थी कि जीएस और हिंदी का अलग अलग पेपर होता था, तो वो नहीं रहेगा, अब एक ही दिन में यहां पर एक ही पाली में आपको दोनों ही पेपर को सम्मिलित करके यहां पर परीक्षा करा ली जाएगी। तो यहाँ पर एक तो सवाल आरओ की 3 पालियों में परीक्षा होगी और 2 दिन में होगी, वहीं पीसीएस का एग्जाम भी आपको देखा जाए तो 2 दिन चलने वाला है। अब यहाँ पर इन दोनों ही परीक्षा में जब एक से ज़्यादा दिनों में कंडक्ट कराया जाएगा तो पेपर अलग होंगे, पैटर्न आपके सेट अलग होंगे, क्वेश्चन हो सकते हैं अलग होंगे, और हो सकता है कुछ ईजी हो, कुछ टफ हो, कुछ कठिन हो, कुछ आसान हो, तो यहाँ पर एक मानक सेट किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में जब भी चाहे जैसे आप एसएससी का एग्जाम देखें और अदर एग्जाम में यहाँ पर देखें तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होता है। अब यहाँ पर वही प्रक्रिया यूपीपीसीएस में लागू कर दिया गया है। इसको लेकर के यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन में
प्रारंभिक परीक्षाओं के अंतिम चयन हेतु श्रेष्ठता निर्धारण का आधार न होने और मात्र स्क्रीनिंग एक तरीके से कराई जा रही है और समस्त जनपदों में 19/6/2024 को निर्धारित मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने के कारण एक से अधिक दिनों में परीक्षा कराई जा रही है। इसके लिए यहाँ पर एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की गई है। साथ ही यहाँ पे आयोग ने कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं न्यायालय में, जो कोर्ट में यहाँ पे केसेस चले हैं कि हम यहाँ पर कोर्ट केसेस के बेसिस के आधार पर इसको निर्धारित कर रहे हैं और हम यहाँ पर इस परीक्षा में जो है जो सिस्टम लागू करने जा रहे हैं अब यहां पर अगर हम देखें तो इस परीक्षा को लेकर के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो लागू किया जा रहा है वो कुछ इस तरीके का मानक यहां पर होने वाला है। इसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यानी कि परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा आपका, यानी कि जो भी जितने भी आपने एक्चुअल मार्क्स यहां पर गेन किए होंगे और जो टोटल नंबर ऑफ के कैंडिडेट यहां पर होंगे उनको यहाँ पर आपको बाई 100 यहाँ पर आप देखा जाए तो एक तरीके से इसे विभाजित करके परसेंटाइल एक स्कोर यहाँ पे निकाला जाएगा। एक तरीके सिंपल सा ये मान के चलिए कि भाई दो दिनों में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अलग अलग पेपर होंगे, अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी, अलग अलग पैटर्न होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए यहाँ पर एक एवरेज मानक सेट किया जाएगा। इसको लेकर मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर अगर आप दो पाली में एग्जाम हो रहे हैं, किसी में बच्चे ने 100 स्कोर कर दिया है, किसी में 110 कर दिया है, तो इसको वो 105 यहाँ पर एवरेज लेकर आएंगे और इसी को यहाँ पर मानक के आधार पे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कर देंगे और वहाँ पे कम ज़्यादा होने के आधार पे एक मेरिट आपको बना दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को लागू किया जा रहा है, कन्फर्म हो चुका है। आयोग PCS की और RORO की डेट भी कन्फर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके पास जो समय है UPPCS के लिए 30 दिन का है, तो यहीं RORO के लिए आप 45 दिन और जोड़ सकते हैं, यानी कि एक 50 दिन है तो 31 दिन में आपको पूरी अपनी तैयारी यहाँ पे ख़त्म करनी है। तो या तो आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर लें अपनी एग्ज़ाम को लेकर के, जो भी रिवीजन को प्रोसेस है उसको लिए यहाँ पर चीज़ों को शिफ्ट करें, एक टारगेट सेट करें, उसके हिसाब से यहाँ पर प्रिपरेशन करें। वहीं आयोग की तरफ से जो भी यहाँ पर अब चीज़ें करानी हैं वो अब करा के रहेंगे। रही बात यहाँ पे कि क्या इसका विरोध किया जाना चाहिए, तो विरोध बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये सिस्टम क्या इस बार के लिए है, परमानेंट नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे एग्जाम पे इस तरह की व्यवस्था कहीं से भी आपको बेहतर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। लगातार एग्जाम्स को लेकर के अपडेट जो भी होगी हम आपको देते रहेंगे, परीक्षा संबंधी जानकारियाँ और साथ ही स्टडी और स्ट्रेटजी को लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।